अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड आपने चेक नहीं किया है तो ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप वो एपिसोड देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था ये 1997 सिविक जो हमारे पास आई फुल बॉडी रिस्टोरेशन के लिए। हमने इसका इंजन रिमूव किया है, इसका पूरा पेंट स्ट्रिपी कर दिया है और गाड़ी में बहुत ही ज्यादा काम है। आज हम शुरू करने वाले हैं इस गाड़ी का बॉडी वर्क, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा रेयर है और इंडिया में कभी मैन्युफैक्चर नहीं हुई है, तो इसके पार्ट्स मिलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और इसीलिए हर चीज को रिपेयर करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। काउल पैनल पूरी तरीके से सड़ा हुआ था और इसको ठीक ढंग से रिपेयर करना बहुत क्रूशल था क्योंकि विंडशील्ड की पूरी फिटिंग उस पर डिपेंड करती है और अगर ये काम ठीक ढंग से नहीं किया गया तो गाड़ी में वाटर लीकेज की इश्यूज भी हो सकती है। काउल पैनल पूरा रेडी करने के बाद हम लोग ने रियलाइज किया है कि जो उसको पूरा शेप आना चाहिए और जिस तरीके का आर्च उसका होना चाहिए वो 100% नहीं था, तो हम लोगों ने काउल पैनल को वापस खोला और वापस से प्रोसेस शुरू कर दी। कस्टम वर्क करते हुए कभी कभी ये चीज़ें हो जाती है, काम दोबारा करना पड़ता है, बट मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जो काम हाथ में लिया है वो 100% ठीक ढंग से होना चाहिए। जितना टाइम हमें ये काउल पैनल रेडी करने में गया है ना, उतने टाइम में हमारा एक डेंटर कम से कम 5 गाड़ियों की पूरी डेंटिंग कर सकता था।
ओरिजिनल हैंडमेड सही है ना। तो आपने वो हाथ रखा ना वो लड़के ने, हाँ, उसके पीछे तो अंदर भी साड़ा हुआ, छोड़ दो तो क्या करें? नहीं नहीं बना देते हैं ना, उसके अंदर उसके जो उधर से कट करना पड़ेगा ना ये? हाँ जैसा ना कट करना पड़ेगा, और ये भी डैमेज है वैसे भी, फिर करना पड़ेगा, तो अभी भी थोड़ा रस्टिंग हो गया। हाँ पानी जाता ना आगे चल के प्रॉब्लम देगा। हाँ देगा, तो वो पूछना था, वो बना लेते हैं। चलो एक और काम बढ़ गया, पर जब समुंदर में पैर डाले ही हैं तो फिर पूरा तैर के ही वापस आते हैं। रूफ पे प्ले होने की वजह से छत पे डेंट्स बहुत इजीली आ जाते हैं। हमने इस फ्लेक्स को कम करने के लिए नीचे से एक सपोर्ट बीम को वेल्ड कर दिया। एक फेंडर ने ना हमारी जान ले ली, एक पैनल रिपेयर करने के लिए हमारे एक डेंटर का 1.5 दिन निकल गया। मैं बता रहा हूँ, पुणे के आधे बलवान और पहलवान ब्रोटोमोटिव में भर्ती हुए हैं। गाड़ी मत चला।
इस टाइम तक तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि गाड़ी पर रस्ट नहीं है, रस्ट पे थोड़ी सी गाड़ी बची है। We'll be right back.
सो फाइनली इस गाड़ी का डेंटिंग का सारा काम कंप्लीट हो चुका है और इस गाड़ी पर हमने रस्ट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगला वीडियो आने वाला है 14 जनवरी को, विच इज गोइंग टू बी अ सैटरडे, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू ब्रोटोमोटिव।